हमारी धरा ही उसकी माता है। नमस्कार, खम्मागणी, राम राम साहब। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जय जय किसान में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके सामने कुछ ऐसे किसान जो नवाचार करते हैं, इसी के साथ कुछ ऐसे विशेषज्ञों को भी लेकर आते हैं जो आपकी खेती में आपकी मदद करते हैं। जी हाँ, तो लीजिए प्रारंभ करते हैं जय जय किसान। जी हाँ, आज के किसान को जरूरत है गुणवत्ता युक्त खेती की, और ऐसी खेती जिसमें उत्पादकता भी बरकरार रहे, और इसके लिए उसे जरूरत पड़ती है कुछ ऐसे विशेषज्ञों के टिप्स की, कुछ ऐसे गुर की, जिससे कि वो अपनी खेती को उन्नत कर सके। इसी प्रकार से बागवानी की खेती में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी सिलसिले में आज हमने पपीते की खेती, पपीते के बाग लगाने के लिए जो एक्सपर्ट हैं, उन्हें आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। जी हाँ, पपीते एक ऐसा फल है जो कि लगभग हर मौसम में आपको खाने को मिलता है, जब भी आप किसी, खासकर रोगियों के लिए डॉक्टर्स इसे रेकमेंड करते हैं। आज हमारे साथ पिंटू मीणा पहाड़ी इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एक्सपर्ट माने जाते हैं बागवानी के। पिंटू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, हमारे टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से राम राम साहब। राम राम साहब। पिंटू जी, पपीते की खेती के लिए लोग तो वैसे जनरल इसको कहते हैं कि घर में भी उग जाता है, परंतु फिर भी इसकी उत्पादकता बरकरार रहे और इसकी गुणवत्ता बरकरार रहे, इसके लिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कौन सा मौसम इसका सबसे उचित मौसम रहता है जबकि पपीते की खेती की बुआई शुरू करनी चाहिए। किसान भाइयों, प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, उस समय के आधार पर ही यदि हम खेती करते हैं, एक्सपर्ट की राय के अनुसार जब हम खेती करते हैं, तो निश्चित रूप से पपीता एक बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित होता है। जब हम बात करते हैं पपीते की खेती के लिए उन्नत उचित समय की, तो सबसे सूटेबल जो टाइम है इसका, एक तो यदि आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा है, अच्छी तरह आपके पास सारी व्यवस्थाएँ हैं, तो फरवरी का जो महीना है, 15 फरवरी के बाद में एकदम बहुत सूटेबल और बहुत उपयुक्त मौसम माना जाता है। दूसरा, यदि आप फरवरी में नहीं लगा पाते या आपके पास पानी की कुछ दिक्कतें हैं जी, तो आप जो अगस्त से लगभग 15 सितंबर तक आप लगा सकते हैं। उसके बाद सर्दी का प्रकोप थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो दोनों जो समय हैं बहुत उपयुक्त समय हैं। आप या तो फरवरी के महीने में 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आप पपीते के पौधे लगाएं। यदि आप 15 मार्च तक लगाने में ये पानी आपके पास हो तभी आप लगाएं, नहीं तो गर्मी की वजह से काफ़ी पौधों में मॉर्टिलिटी आती है। यदि उसमें आप नहीं लगा पाते तो आप 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक आप इन पौधों को अपने खेत में लगा सकते हैं। पिंटू जी, पपीते की अगर जैविक खेती करनी हो तो किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए, खेत को किस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए, उसके बाग में क्या क्या काम करने चाहिए जिससे कि उसकी जैविक उत्पादन हो सके, रसायनों का उसमें उपयोग ना किया जाए? इसमें सुनील जी, ऐसा है जैसे कि हम जब आजकल बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने, किसान भाइयों के सामने देखी जा रही है, हम लोगों ने जमीन के अंदर इतना जहर डाल दिया है कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर तो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले ही हैं जी। साथ ही साथ हमने जो धरती माता है उसके पेट में इतना जहर भर दिया है कि वो पूरी तरह से हमारी खेती अभी दूषित होती जा रही है। अभी आप लोगों ने टिड्डी के लिए अभी देखा है तो काफ़ी सारा वहाँ पे भी कीटनाशक का उपयोग किया गया है। उससे बचने के लिए हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा। जैविक खेती के बढ़ावे के लिए हम लोगों को जो जैविक चीज़ें हैं, जैसे हम शुरुआत में ही आप जैविक की तरफ जाएँ, सबसे पहले जब आप पपीते के लिए गड्ढा खोदें तो उस गड्ढे में देसी गोबर की खाद, जिसको हम या तो FIM बोलते हैं, हमारे गांव में भी वो होती है किसान भाइयों के पास, तो देसी गाय के गोबर की, भैंस के गोबर की, चाहे वो बकरी का हो सकता है, किसी भी पशु का गोबर हो सकता है, उसको आप बढ़िया तरीके से सड़ा करके पहले तैयार करें। किसान भाइयों, हम गलती क्या करते हैं, हम गोबर की खाद जब डालते हैं तो उसको हम पूरी तरीके से अच्छे से फर्मेंटेड नहीं करते। हम वो लोग सीधा कच्चा गोबर कई बार खेतों में डाल देते हैं और वो बहुत ही विनाशकारक साबित होता है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि उनकी जो फसल है उसमें कच्चे गोबर की वजह से दीमक लगने लग जाती है, उसमें वाइट ग्रब लगने लग जाती है। कई बार तो बहुत सी जगह ऐसी हो गई कि आप बाजरे की फसल नहीं ले सकते, दूसरी फसल नहीं ले सकते, आपकी लटें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो आप लोग सबसे पहली बात तो ये ध्यान दें कि जिस खाद को, जिस गोबर को आप अपने खेतों में डाल रहे हैं वो पूरी तरह से सड़ा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको उसको गड्ढे में डालें। पहले गड्ढे में डाल करके बेस्ट डीकम्पोजर का आप उसमें उपयोग करें, जिससे कुछ उसमें ऐसा मटेरियल होगा तो वो पूरी तरह से सड़गल करके अच्छी खाद बन जाएगी। यदि करौली से हमारे एक दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुरारी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नमस्कार मुरारी जी। हाँ सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से आप? सर,
हम ये पूछना चाहते हैं ये पपीता की जो हमारे यहाँ इलाके में राजस्थान में करौली में ये रेड लेडी ताइवान है ये सक्सेसफुल है जी जी पिंटू जी, कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए? मुरारी जी आप करौली की जब बात करते हैं तो करौली में हमारे यहाँ पे सबसे सूटेबल जो वैरायटियों में नाम आता है उसमें रेड लेडी वैरायटी का नाम आता है, रेड लेडी 786 जिसको हम ताइवान के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं पपीते की खेती की तो हम दूसरी वैरायटी अर्का सूर्या के लिए हम बात कर सकते हैं। अर्का सूर्या बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन पपीते के जो हमारे इंडिया के टॉप साइंटिस्टों में से एक आदरणीय मनसा राम जी जो आजकल रिटायर्ड हो चुके हैं, बिहार में थे, उन्होंने पूसा से कई सारी वैरायटियों का विकसित की हैं जी। उसमें पूसा नन्ना, पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्टी, ये पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना और पूसा ड्वार्फ दो वैरायटियां ऐसी हैं जो काफ़ी छोटे साइज की होती हैं, और यदि जो हमारे शहर में रहने वाले परिवार हैं वो परिवार भी इनके इनको अपने गमलों में उगा सकते हैं, अपने घरों पे उगा सकते हैं, इतनी छोटी सी वैरायटियां। किसान यदि अपने खेत पे उगाते हैं तो किसानों के लिए भी बहुत सक्सेसफुल और बहुत उपयोगी वैरायटियां हैं। लेकिन करौली की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर रेड लेडी 786 ताइवान या दूसरी हमारी जो वैरायटी है अर्का सूर्या, दोनों ही वैरायटियाँ बहुत उपयुक्त वैरायटी हैं, आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें। पिंटू जी जैसा कि आपने बताया कि ऑर्गेनिक खेती इसकी जैविक खेती करनी चाहिए क्योंकि पपीता जनरली उन लोगों को खाने के लिए कहा जाता है जो बीमार होते हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें जैविक पपीता ही खाना चाहिए, परंतु क्योंकि लोगों ने रसायनों का उपयोग करके अपनी खेती को, अपने बाग को इतना प्रदूषित कर दिया है, अब अगर कोई शुरुआत करना चाहे जबकि पूरी जमीन उसकी प्रदूषित हो चुकी है, तब उसे क्या करना चाहिए सबसे पहले? सर इसमें सुनील जी होता क्या है, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा जी कि कभी भी कोई भी फसल आपका जमीन का टुकड़ा या जमीन है वो 100% एक बार में जैविक नहीं हो सकती जी। ये 3 साल का प्रोसेस होता है, 3 साल में ही आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, लेकिन पहले साल में आप प्रयास करें, पहले साल में आप जैविक जैसे देसी गोबर का खाद आपने डाला, उसके बाद में आपके पपीते में प्रॉब्लम्स आती हैं, एफिड आने लगता है, वायरस आता है, जड़ गलन आता है, फंगस की परेशानी आती है, तो उनके लिए आप पहले से ही जैविक जो आपके पास मटेरियल है, जैसे आपके मान लो वायरस आ गया पपीते में, पत्तियां सिकुड़ने लग गई और आपके पत्तियां थोड़ा सा खराब होने लगी हैं, तो उस स्थिति में आप लोगों को क्या करना है, जो देसी गाय का दूध या जो ताज़ा दूध है 1 लीटर दूध को लेकर के उसमें एलोवेरा का रस मिला करके, और यदि आप उसको 15 लीटर पानी की टंकी में मिला करके छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक वायरस का प्रभाव रुकता है। साथ ही साथ इस वायरस को फैलाने वाला जो कीट है उसको भी हमें कंट्रोल करना होगा, इसको सफ़ेद मक्खी जिसको हम बोलते हैं वो इस कीट को, इसको वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैल ले जाता है जी। अक्सर ये जो सफ़ेद मक्खी है ये पत्ती के निचली सतह पर देखी जाती है, तो किसान भाइयों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए आप लोग गांव में जैसे एक तो लाल तीखी मिर्च उसका आप लोग उपयोग करते हैं जी। उसको आप लाल तीखी मिर्च लें, साथ ही साथ आप इसमें एंटीसेप्टिक के रूप में हल्दी आप उसमें यूज कर सकते हैं, अदरक आप उसको यूज कर सकते हैं, और इसको पानी के साथ में मतलब थोड़ा सा ढंग से इसको बॉयल करके और उसके बाद ठंडा होने के बाद में आप पानी के साथ में इसका स्प्रे करेंगे तो सफ़ेद मक्खी काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। साथ ही साथ आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि पत्ती की निचली सतह पर आप ये काम करें, और फिर भी आपके यदि जो पुरानी पत्तियां हैं उनको आप अपने बगीचे से हटाते रहें क्योंकि पुरानी पत्तियों पे ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पौध लगाने से लेके शुरुआत करने से लेकर जब पपीता बढ़ रहा होता है उस समय कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि उन्हें किसान भाइयों को ध्यान रखने चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि उनकी फसल जो है स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगा है? इसमें हम लोगों को किसान भाइयों के लिए 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जब आप पपीता लगाते हैं तो आप सबसे उसके 1 महीने पहले प्रॉपर तरीके से गड्ढे की तैयारी करें, आप गड्ढा खोदें, गड्ढा खोदने के बाद में आपका जैसे 2 फीट गहरा आप गड्ढा खोदें, 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट उसकी लंबाई, उसमें आप लोग लगभग 15 दिन से लेकर के 20 दिन तक या 1 महीने तक भी आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, जो सूर्य का तापमान है उसको हम सोलराइजेशन बोलते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर जो हानिकारक कीट होंगे या कुछ ऐसे रोग वगैरह होंगे वो सूर्य के तापमान की वजह से खत्म हो जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जय जय किसान में। पिंटू जी आपने बताया कि पपीते की खेती शुरू करनी चाहिए, कौन कौन सी किस्म सबसे पहले किसान को सोचनी चाहिए, लेनी चाहिए, जिससे कि उसकी जो खेती है उससे उसे बहुत जल्द उसका मुनाफा मिलने लगे? किसान भाइयों जब हम बात करते हैं किसी भी प्रकार की खेती की तो बीज जो है
जब हम धान्य फसलों की बात करते हैं, खाद्यान्न फसलों की, तो बीज मुख्य रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन वहाँ पे एक चांस आपके पास होता है कि यदि आपने खराब बीज का चयन भी कर लिया तो आप दो तीन महीने की आपकी फसल खराब होती है, दोबारा आपको चांस मिल जाता है 3 महीने बाद। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान है, नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपने किसी भी मतलब फल विज्ञान में जब आप बात करते हो, किसी भी फल का यदि आपने खराब किस्म का बीज चयन कर लिया, मान लो पपीते का आपने कोई ऐसा जो खराब किस्म है, जो उन्नत किस्म नहीं है, गलती से आपको वो बीज आपके हाथ लग गया, तो इसका पता आपको चलेगा लगभग 1.5 साल बाद, और यदि आप उसको लेते हो तो 5 साल तक का नुकसान। यदि आप आम में ऐसा करते हैं तो 50 साल तक का नुकसान, बेर में आप करते हैं 22 साल का नुकसान, तो इतना बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तो सीधा सीधा आप ये करें कि आप इसके लिए सबसे पहले उन्नत किस्मों के बीज का चयन करें। कौन कौन सी वैरायटियां ऐसी हैं जो वही वैरायटीज कौन सी बताएं उन्हें जिससे कि वो उसका चयन करें। बिल्कुल। और एक और दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा, वैरायटियां आपको इस नाम से बहुत सी मिलेंगी, जैसे रेड लेडी 786 की जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, वो दावा भी करते हैं कि मेरी ओरिजिनल है, लेकिन जो रिलायबल सोर्स हो, जहां तक हो सके कृषि विज्ञान केंद्र, उसका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वहां से आप बीज खरीदना वो कोशिश करें। पूसा नन्ना के आप वैरायटी ले सकते हो, पूसा ड्वार्फ आप ले सकते हो, अर्का सूर्या वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इन वैरायटियों का उपयोग कर सकते हैं। तो जी सवाई माधोपुर से संतोष इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी संतोष जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, संतोष स्वामी बोल रहा था। जी नमस्कार संतोष सर, मैं ये पूछ रहा था कि अपने जो ये पपीता की जो वैरायटी है जी, तो क्या कि लोग बात रेड लेडी ताइवान के नाम से काफी बीज मार्केट में है। बिल्कुल। तो इसकी ओरिजिनल की कोई अच्छी कोई टैग मार्क हो या पहचान हो। जी पिंटू जी वही बात है जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे। मैं वही बता रहा था क्योंकि हमारे साथ किसान भाइयों के जब हम लोग वहाँ पे फील्ड पे होते हैं, खेतों पे जाते हैं, तो हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं उनको ठगा गया है जी। तो इसके लिए ही मैं निवेदन कर रहा था कि जो रिलायबल सोर्सेज हैं आप उनसे लें, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों के पास कृषि विभाग का मतलब जो उनके पास में हम लोग देते हैं उनका रजिस्ट्रेशन है, उन लोगों के पास से आप बीज लें। तीसरी बात, जब बीज लेते हैं तो बिल लेना बिल्कुल ना भूलें, पहले ओरिजिनल बिल लें, जिससे कि आप यदि कल आपके साथ कोई धोखा होता है तो आप क्लेम कर सकते हो उस डीलर को कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। दूसरा, हम तो डीलरों का भी आपसे नहीं कहना चाहेंगे, हम तो ये कहेंगे आपको कि आप जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां से आप पौधे की खरीदारी करें, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से आप कर सकते हैं, राजस्थान सरकार की राजहंस नर्सरियां हैं वहां से आप खरीदारी कर सकते हैं, उसके अलावा जो आपके विश्वविद्यालय हैं विश्वविद्यालयों से आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ऐसे जो रिलायबल सोर्सेज हैं आप वहां से यदि लेते हैं तो आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई धोखा होने के चांसेस नहीं रहते, आप बचें। जो ऐसे अनरिलायबल सोर्सेज हैं तो उनसे आप बचें जिसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, आप उस जगह से लें जहां ऑथेंटिकेशन 100% जी, वहां से आप। मिश्रित खेती भी आजकल चलन में है और सब चाहते हैं कि पपीता के साथ और भी कुछ चीज उगाई जाए, तो क्या आप बताते हैं कि पपीते के साथ इस चीज को भी उगा सकते हैं, कौन सी खेती साथ में की जा सकती। बिल्कुल किसान भाइयों, में आप लोगों को हम लोगों ने एक मॉडल डेवलप किया था कुछ दिन पहले, आप लोगों को दिखाया भी था कई बार, सुनील सर ने भी उसको टीवी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। आज के टाइम में जब हम बात करते हैं इनकम डबल करने की या 3 गुना करने की, तो उसके लिए हम लोगों को इनकम के साथ साथ एक जगह पे 3-3 फसलें भी लेने का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप चाहे अनार का बगीचा आपने लगाया, आपने अमरूद का बगीचा लगाया, आपने चाहे नींबू का बगीचा लगाया या बेर का बगीचा लगाया, इनकी जो स्पेसिंग होती है वो लगभग आप 3 से 5 मीटर तक रखते हैं, 5 मीटर 6 मीटर तक का जगह रखते हैं जी। पहले जो साल है, पहले 2-3 साल हैं, उनके बीच में जो जगह है उसमें पर्याप्त जगह बचती है, और उस पर्याप्त जगह के बीच में आप पपीते के पौधे लगाएं, क्योंकि पपीते को हम फिलर प्लांट भी बोलते हैं। फिलर प्लांट का मतलब जो खाली जगह है उसको भरने वाला पौधा। तो आप उसके बीच में एक तो ये पपीते के पौधे लगाएं, उनके बाद में भी आपके बीच में जो सेंटर है, जैसे आपने पपीता का एक पौधा यहाँ पे लगाया, इसके बीच में दोनों के बीच में लगाया, तो ये जो खाली जगह है इस जगह में आप खाद्यान्न फसलें भी ले सकते हैं, आप गेहूं भी उसके बीच में लगा सकते हैं, आप चना भी उसके बीच में लगा सकते हैं, उसके अलावा आप जैसे सब्जियां भी उसके बीच में लगा सकते हैं। तो जब एक साथ में आपकी 3-3 फसलें आएंगी तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी भी डबल होगी। मेहनत आपको लगभग उतनी ही करनी है, थोड़ा बहुत आपको जो सस्य क्रिया है उस पर थोड़ा सा भार आएगा, लेकिन आपको 3 गुना तक प्रॉफिट। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनका जो फल आता है फट जाता है या जल्दी गिर जाते हैं, उससे निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो ये फल फटने की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, और फल गिरने की समस्या फ्रूट ड्रॉपिंग एक बहुत बड़ा कारण है, फ्रूट ड्रॉपिंग एंड दूसरा है फूल का गिरना। तो ये जो दोनों समस्याएं हैं
बहुत बड़ी समस्या है किसान भाइयों के सामने। फल फटने की समस्या सब्जियों में भी बहुत है और फलों में भी बहुत है, हालांकि पपीता में फल नहीं फटता जी। पपीता की जब हम बात करते हैं तो इसमें फल नहीं फटता, इसमें फूल बहुत ज्यादा गिरता है जी। तो पहले मैं यहीं से चालू करता हूँ फूल गिरने को लेकर के। तो फूल जो गिरता है, पपीते में क्या है, नर और मादा दोनों अलग अलग भी होते हैं। कुछ वेराइटियाँ ऐसी हैं, पूसा मैजेस्टी, डायोसियस और ये इस टाइप की जो वेराइटियाँ हैं, इन पे नर और मादा दोनों एक पे ही होते हैं। मतलब दूसरा इनमें क्या होता है, जो नर है वो तो गिरेगा चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी पुष्प, वो तो गिरेगा, नर तो गिरेगा। तो कुछ तो किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा फूल बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। यदि बहुत ज्यादा ड्रॉपिंग हो रही है तो आप एक तो पानी देना बंद कर दें। जब आपके फूल लगता है उस टाइम किसान भाइयों किसी भी प्रकार के चाहे कोई भी पौधा है उसमें पानी ना दें। दूसरा, आप प्लानोफिक्स दवा आती है, प्लानोफिक्स दवा का 4 ml दवा 15 लीटर पानी में मिला करके फूल आने की स्टेज पे आप उसको छिड़काव करें जी। यदि आप इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यदि आपने 4 ml, हम किसान भाइयों के साथ में होता क्या है, हम लोग 4 ml बताते हैं, किसान भाई सोचते हैं कि यार ये तो कम बताइए इन लोगों ने, वो 4 की जगह 8 ml कर देते हैं। तो जैसे ही 8 ml होगी वो रिएक्शन करेगी तो आपको जो बचा हुआ फूल है वो भी गिरा देगी, आपका फल भी गिरा देगी। इसलिए गंगानगर से मनीराम इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं, उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा जी। नमस्कार मनीराम जी। नमस्कार सर जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो पपीते के पेड़ लगे हुए थे 2-3 जी, तो वो नजदीक तो नहीं थे, दूर थे, तो उनमें से क्या है कि बीज नहीं होता है, उनमें एक भी बीज नहीं होता है। जी पिंटू जी बताइए क्या कारण है उनके बीज नहीं होते पपीते में। पपीता क्या है, आजकल बहुत सी जो वैरायटी है पपीते का, एक ये ड्रॉबैक मानते थे लोग कि पपीते में बीज बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमारी उन्नत किस्में आने लगी हैं वो आजकल बीज रहित किस्में आने लगी हैं, और आपकी जो पपीता की किस्म है वो शायद सीड लेस होगी। उसमें बहुत, वैसे बीज रहित का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बीज नहीं होता, उसमें छोटे छोटे से बीज होते हैं, बिल्कुल आपकी परत के चिपके हुए से रहते हैं, तो उसकी वजह से वो आपकी बीज रहित किस्म है, इसलिए उसमें बीज का विकास नहीं होता जी। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने पपीता की खेती के बारे में सब बातें बताई। धन्यवाद उन सभी किसानों का जिन्होंने हमें फ़ोन किया, और धन्यवाद उन किसानों का भी जिन्होंने प्रयास किया पर उनका फ़ोन नहीं लग पाया। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे जय जय किसान के साथ, तब तक देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।